तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के बीच में एक और रहस्यमयी और ऐतिहासिक किले की वीडियो लेकर आया हूं, जो कि ये वीडियो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बुंदेलखंड में स्थित है और महाराजा छत्रसाल जो बुंदेल केसरी के नाम से विख्यात थे, पूरे भारतवर्ष में इनकी युद्ध कला का परचम था। और उस समय पर जब महाराजा छत्रसाल युद्ध लड़ा करते थे तो जो इनके दुश्मन हुआ करते थे वो पानी मांग जाते थे। काफ़ी विशाल योद्धा थे, इन्होंने बामुनगढ़ जीते थे। उनके ही बड़े पुत्र जो हृदय शाह थे उनका ही ये महल, आलीशान महल बना हुआ है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हृदय शाह का महल। इस महल का निर्माण महाराजा छत्रसाल ने 1696 ईस्वी में करवाया था, जो कि काफ़ी आलीशान तरीके से करवाया था। और इसमें जो काम करने वाले मजदूर वगैरह थे उन्होंने काफ़ी बारीकी से इसमें काम किया है। और इसका जो फ्रंट है, महल का सामने का हिस्सा है, आप लोग यहाँ से एक बार नज़र डालोगे तो कितना शानदार और आलीशान दिखता है। जो महाराजा छत्रसाल के बड़े पुत्र थे हृदय शाह, इन्होंने अपने जो यहाँ बगल में एक रियासत हुआ करती थी शाहगढ़ रियासत, वहाँ के राजा के साथ इन्होंने मिलकर के कई युद्ध वगैरह लड़े हैं। और जो रानी थी, रानी दुर्गावती, उनसे इन्होंने विवाह किया था। और उनके साथ जो बोलते हैं जैसा कि जो गौड़ शासक थी वो, तो उनके साथ इनका विवाह हुआ था। और कई वर्षों तक इन्होंने युद्ध लड़े हैं। और रानी दुर्गावती जब युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गई थी तो यहाँ जो बगल में जो सायगढ़ रियासत थी और गढ़ा कोटा की रियासत थी वहाँ पर जो हृदय शाह जी का शासन चलता था। ऐसे महान योद्धा प्रतापी राजा के पुत्र का ये जो महल है आज भी काफ़ी आलीशान तरीके से बना है। जो इसमें कलर वगैरह, जो कलाकृतियाँ वगैरह इसमें भरी हुई हैं वो आप लोगों को देख करके काफ़ी शानदार लगेंगी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये महल का जो मेन द्वार है, और यहाँ पर उनके जो सैनिक हुआ करते थे वो पहरा दिया करते थे, यहाँ पर उनके सैनिक रहा करते थे। और यहाँ आप लोग देख सकते हो इसमें कलर वगैरह और नक्काशियाँ भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो सीढ़ियों की मदद से हम लोग आए हैं, ये पुरातत्व विभाग के द्वारा अभी इनको बनाया गया है। तो इस महल के अंदर जाने के लिए रास्ता तो गाइस यहाँ पर लॉक कर दिया गया है, लेकिन हम इस साइड से चलेंगे, वहाँ पर सीढ़ियों की मदद से हम आप लोगों को लेकर के चलेंगे। और इससे हम अब चलेंगे एक महल के अंदर और आप लोगों को यहाँ के रहस्य से रूबरू कराएंगे। और यहाँ पर कुछ ऐसे कक्ष बने हुए हैं और यहाँ पर एक ऐसी हवन वेदी बनी हुई है जहाँ पर जो हृदय शाह जी थे वो हवन वगैरह वहाँ पर किया करते थे। और इस महल को आप लोग देखोगे तो काफ़ी विशाल बड़ा महल है। आज के समय में ये महल टूट चुका है, यहाँ पर भी कुछ कक्ष हुआ करते होंगे उस समय पर, जो अभी के समय में उसके साक्षी बचे हैं, पूरे मिट्टी में तब्दील हो चुके हैं। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो यहाँ पर पीछे का हिस्सा है महल का। यहाँ पर राजा की जो जनसुनवाई बोलते हैं, जैसे जो जनसुनवाई होती है उसी हिसाब से खासे आम बोलते हैं, जो आम लोगों की राजा सुना करते थे किसे क्या परेशानी है, ऐसा यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर राजा का सिंहासन हुआ करता था, आप लोग सामने देख सकते हो। तो यहाँ पर प्रजा जो जिनको परेशानी हुआ करती थी वो यहाँ पर बैठा करती थी और उनसे अपनी परेशानियाँ बताया करते थे। सामने आप लोग देखोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कटाव नक्काशियाँ निकाली गई हैं और वहाँ पर भी कुछ ऊपर कक्ष हुआ करते थे। मैंने बताया कि 3 मंजिली इमारत हुआ करती थी। आज के समय में पूरे तरीके से ये जो दीवारें हैं खंडर हो चुकी हैं, ध्वस्त होती जा रही हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में ये दीवारें गिर जाएंगी। यहाँ आप लोग देख सकते हो कितनी शानदार तरीके से इसमें नक्काशियाँ निकाली हैं। और यहाँ नज़र डालोगे आप लोग देखोगे ये जाली नुमा जो इसमें नक्काशियाँ हैं उस समय पर काफ़ी सुंदर दृश्य हुआ करता होगा। अब हम इस कक्ष के अंदर चलते हैं जो पूरी तरीके से खंडर हो चुका है, टूट चुका है। तो गाइस यहाँ आप लोग देख सकते हो ये जो 3 मंजिल इमारत थी आज के समय में पूरी तरीके से ध्वस्त है। और इसमें नक्काशियों में ज़्यादा काम किया गया है गाइस, क्योंकि महाराजा छत्रसाल बुंदेल केसरी थे, उनके बड़े पुत्र जो हृदय शाह थे उनका महल था। तो ये कोई मामूली महल नहीं था, हृदय शाह जी का महल था, तो काफ़ी शानदार तरीके से उनको बनाया गया था। अब इसके बाद हम चलेंगे सामने वाले कुछ कक्ष हैं, वो कक्ष आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और यहाँ एक बार आप नज़र डालोगे ऊपर तो यहाँ देख सकते हो कि
जो वहाँ पर कुछ कक्ष बने होंगे वो आज के समय में टूट चुके हैं, और ऊपर यहाँ पर एक ऐसा बुर्ज वगैरह बुर्ज बना हुआ था जहाँ पर सैनिक अपनी मशीन गन के साथ बंदूक के साथ तैनात रहते थे, वो टूट के गिर चुके हैं, जो कि पुरातत्व विभाग ने अभी इसकी मरम्मत वगैरह कर दी है, तो काफ़ी दिनों तक ये टिका रहेगा और चलेगा भी। और यहाँ से एक कक्ष बना है जहाँ पर मोस्टली सैनिक तैनात रहा करते थे, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसकी जो छत है गाइस, देख सकते हो यहाँ पर ये छत टूट चुकी है, और ये वो पुराने वही प्राचीन लकड़ियाँ लगी हुई हैं, 350 वर्ष पुरानी, और इसमें पुरातत्व विभाग ने ये जो प्लास्टर आप देख रहे हो अभी करवाई है। पहले यहाँ पर नक्काशियाँ थी, अभी फ़िलहाल उन्होंने बिल्कुल सिंपल तरीके से कर दिया। इस साइड आप देखोगे इस टाइप की कुछ नक्काशियाँ इसमें बनी हुई थी। अब हम आप लोगों को लेकर चलेंगे यहाँ के जो मेन कक्ष हुआ करते थे, जहाँ पर राजा जो हृदय शाह थे वो यहाँ पर रहा करते थे। अब उनके कक्ष की तरफ आप लोगों को हम लेकर चलते हैं। तो गाइस यहाँ से आप लोग देखोगे आने वाले समय में ये जो महल है हो सकता है ध्वस्त हो जाए, लेकिन जब ये पहले होगा अपने अस्तित्व में ये महल होगा तो काफ़ी आलीशान होगा। और यहाँ पर जब राजा वो चलते होंगे यहाँ पर, तो उनकी प्रजा उनके साथ जो उनके सैनिक वगैरह होंगे काफ़ी ज़्यादा साथ में रहते होंगे। और ये जो दीवार आप देख रहे हो इस साइड, काफ़ी विशाल दीवार होगी जो आज के टाइम में टूट चुकी है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, जहाँ जो हृदय साय जी का हवन कुंड है, पूजा वगैरह किया करते थे, जैसे राजा महाराजाओं के समय में भी आज के समय में भी हवन वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर वो कुंडी बनी हुई है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हवन कुंडी है और यहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो घी डालने के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, और यहाँ पर जो बेदी वगैरह होती है इसमें हवन जला लिया करते होंगे। और यहाँ पर जो दीवारें हैं इसकी टूट चुकी हैं, और आप लोग क्लियर देख सकते हो इसके ऊपर कुछ कक्ष बने होंगे जो ये आप देख रहे हो, क्योंकि वहाँ पर सीढ़ियों के साक्ष आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे जो ऊपर जाने के लिए होंगे। और अभी फ़िलहाल इनकी दीवारें वगैरह बची हैं, और आप लोगों को मैं इसमें नक्काशियों की बात करूँ तो आप यहाँ नज़र डालोगे कितनी शानदार तरीके से इस हृदय शाह जी के महल में नक्काशियाँ निकाली गई। आप लोग देखोगे जाली नुमा कमल पुष्पी और भी कई, जैसे झूमर टाइप का आप यहाँ नज़र डालो एक बार इस पिलर पर, तो यहाँ झूमर टाइप का जो ये बनाया गया है पिलर काफ़ी शानदार है। और पूरे आप लोग दीवार पर नज़र डालोगे तो आप लोगों को इसी टाइप की नक्काशियाँ और झूमर टाइप के जो पिलर वगैरह हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद अब हम आप लोगों को लेकर चलेंगे, इस साइड भी उसी टाइप की दीवार बनी है और यहाँ पर भी। अब हम इसके बाद लेकर चलेंगे जहाँ पर जो बोलते हैं जैसे महफिलें वगैरह लगती थी, नृत्य वगैरह हुआ करते थे, उस जगह पर हम आप लोगों को लेकर चलते हैं। यहाँ पर महफिलें वगैरह लगती थी वो यहाँ से ही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर नीचे चल के कुछ कक्ष बने हैं वो भी दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ही हृदय शाह जी बैठा करते थे, और उस साइड भी बैठते होंगे कुछ लोग। तो देख सकते हो इस यहाँ पर जो नृत्य वगैरह होते होंगे वो यहाँ से देख कर लुप्त लिया करते होंगे, कुछ जो यहाँ के सैनिक वगैरह होंगे वो यहाँ बैठा करते होंगे, कुछ नीचे भी बैठते होंगे। इस तरीके से इस महल को बनाया गया है, आप लोग देख सकते हो इसके रंगत काफ़ी शानदार है। अब हम नीचे चलेंगे और कुछ कक्ष आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पर जो हृदय शाह जी के मैन कक्ष हुआ करते थे, जहाँ पर हृदय शाह जी रहा करते थे, उनकी पत्नियाँ रानियाँ जो हुआ करती थी वो रहती होंगी, उनके पुत्र वगैरह आप लोगों को मैं नीचे चल के सभी दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो छोटी छोटी सीढ़ियों की मदद से हम लोग चल रहे हैं और आप लोगों को इसके नीचे का रहस्य दिखाते हैं। तो गाइस ये वही जगह है जहाँ पर जो महफिलें लगती थीं, जो नृत्य वगैरह हुआ करते थे यहाँ पर ही वो होते थे, और यहाँ से वो राजा लुप्त लिया करते थे, उनके सैनिक वगैरह बैठते होंगे यहाँ पर, जो सैनिक होंगे मंत्री वगैरह होंगे वो यहाँ नृत्य का लुप्त लिया करते होंगे। और यहाँ से आप लोग देखोगे तो इसमें भी काफ़ी शानदार तरीके से नक्काशियाँ निकाली गई हैं, और यहाँ पर ही वो महाराजा जो थे हृदय शाह, उनका मेन कक्ष बना हुआ है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ आप लोग देख सकते हो काफ़ी शानदार तरीके से वो बनाया गया है, और इनके पिलर जो आप लोग पिलर पे नज़र डालोगे तो कितने शानदार तरीके से इनके पिलर में डिजाइन बनाए गए हैं। उस समय पर जब अपने परचम पर होगा ये महल, उस समय पर ये पिलर जो है काफ़ी शानदार और काफ़ी खूबसूरत लगते होंगे। आज के समय में काफ़ी पुराने होने की वजह से ये थोड़े जर्जर स्थिति में है, और इसकी छत को आप लोग देखोगे वही प्राचीन छत है
थोड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, लेकिन पुरातत्व विभाग ने इसकी मरम्मत वगैरह करवाई है और यहाँ पर ही हृदय साय जी का मेन कक्ष था जहाँ पर हृदय साय जी रहा करते थे। आप लोग देख सकते हो जो दो कक्ष बने हुए हैं, यहाँ पर ही हृदय साय जी रहते थे और उनकी रानी भी रहा करती थी। ये बरामदा बना हुआ है, यहाँ पर पहले काफ़ी शानदार होगा और जो यहाँ पर कलाकृतियाँ निकाली गई होंगी जो उनके सजावट का होगा वो उस समय पर काफ़ी ज़्यादा होगा। और आप लोग देख सकते हो ये जो लकड़ी है आज से 350 वर्ष पुरानी लकड़ी टूट करके गिर चुकी है ऊपर से, और अभी ये जो लकड़ियाँ लगी हुई इनका भी कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी गिर सकती हैं। तो गाइस धीरे धीरे ये महल जो है नष्ट होता जा रहा है और आने वाले समय में ये महल है जो नष्ट हो जाएगा। तो गाइस इसके बाद अब हम आप लोगों को यहाँ पर आगे चल के थोड़ा सा और दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ से कुछ कक्ष सामने के जो मेन द्वार हैं उनके वहाँ पर चल के आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो जैसा कि गाइस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर इस महल का जो मेन द्वार है वो वहाँ पर ताला डला रहता है, क्योंकि उस साइड से लोग आते हैं, यहाँ पर ताला डला रहता है। यहाँ पर ही सैनिक तैनात रहा करते थे, उनके यहाँ पर बैठने की व्यवस्थाएं भी बनाई गई हैं। आप लोग देख सकते हो ये जो कक्ष बने हैं छोटे छोटे, यहाँ पर सैनिक बैठ करके पहरा दिया करते थे और जो भी यहाँ महल के अंदर प्रवेश किया करते होंगे वो जो यहाँ के सैनिक होंगे वो उनसे पूछताछ करते होंगे। यहाँ पर ये जो अभी लोहे का गेट लगा है ये पुरातत्व विभाग ने इसको लगवा दिया है। पहले यहाँ काफ़ी विशाल लकड़ी का गेट हुआ करता था और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी लकड़ी डली रहती थी जो गेट के पीछे सपोर्ट का काम किया करती थी। अब एक कक्ष उस साइड भी बना है, थोड़ा सा मैं उस कक्ष को भी आप लोगों को दिखा दूं जो कि काफ़ी बड़ा है और आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर एक एक कक्ष बना है और इसमें जो लकड़ियाँ आप लोग देख रहे हो वही प्राचीन 350 वर्ष पुरानी लकड़ियाँ लगी हुई हैं। इस कक्ष की स्थिति उस समय में काफ़ी ज़्यादा जर्जर थी और अभी पुरातत्व विभाग ने इसकी मरम्मत करवाई है तो ये थोड़ा अपनी अच्छी स्थिति में हो चुका है। पहले इसकी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी और इसमें ऐसी नक्काशियाँ निकाली गई थी, आप लोगों को यहाँ दिख रही होंगी जो पुरानी नक्काशियाँ हैं वो इसमें निकाली गई थी, लेकिन पुरातत्व विभाग ने इसकी रिपेयर वगैरह करवाई है तो अब इसमें नक्काशियाँ नहीं है, सिंपल तरीके से इसको प्लास्टर कर दिया है। तो अब हम चलते हैं इसके आंगन में, जो इसका मेन आंगन है इस महल का वहाँ पर। जैसा कि आप लोगों को मैंने इस महल में जितना भी दिखाया, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आप लोग देख सकते हो काफ़ी शानदार यहाँ से इस महल का नज़ारा दिखता है। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना और अच्छा भी ना लगा हो तो वो भी बताना, मेरी जो भी कमियाँ हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइस अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही रहस्यमय और ऐतिहासिक किलों की वीडियो के साथ। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।